रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी में नहीं मिली फ्लाइट लैंडिंग की परमिशन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी जाना था बाई फ्लाइट लेकिन लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद प्रयागराज का दौरा खत्म कर दिया गया है। सड़क मार्ग से वाराणसी से प्रयागराज जाने का था प्रोग्राम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रयागराज में निजी कार्यक्रम में होना था शामिल। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द। और इस खबर पे हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए हैं। पंकज, ऐसा लगभग हर बार देखा जाता है कि लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलती है और विपक्ष के नेताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आखिर क्या वजह है, लैंडिंग की सुविधा क्यों नहीं मिल पाती है विपक्षी नेताओं को? जी शिखा, देखिए, राहुल गांधी को प्रयागराज में एक निजी कार्यक्रम में जाना था और इसको लेकर के उनको वाराणसी में लैंड करना था। वाराणसी में बाय रोड उनको वाराणसी से प्रयागराज जाना था और वहां कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, लेकिन वहां के जिला प्रशासन ने ये परमिशन नहीं दी है वहां पे लैंड करने के लिए। ढेर सारी चीजें इसमें होती हैं जो जिला अधिकारी के हैंड में होती हैं और वो परमिशन दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, कई इसके कारण होते हैं। चूंकि राहुल गांधी एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, चूंकि कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता है और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ऐसे में चूंकि उनका घराना भी ऐसा है कि सिक्योरिटी पर्पज से तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं उनको दी जाती हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने काफी लंबी निकाली थी और उसको लेकर के तमाम सिक्योरिटी दी गई थी, तो सुरक्षा कारण कई ऐसे होते हैं जिनको लेकर के जो विजिलेंस का इनपुट होता है वो देखा जाता है, रीड किया जाता है, उसके बाद से ही परमिशन ग्रांट किया जाता है। चूंकि कई ऐसे अड़चने आ सकती है जिनको लेकर के ये सब आदेश दिए जाते हैं। फिलहाल अब इसमें देखने वाली बात होगी कि जिलाधिकारी ने आखिर क्या कुछ देखा और इनको परमिशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो वहां से जो काफी चीजों परमिशन इनको लैंडिंग की थी वो नहीं मिली है और इसको लेकर के वो प्रयागराज का दौरा जो करने वाले थे वो कहीं ना कहीं वो दौरा अब रद्द होता नजर आ रहा है और परमिशन मिलने के बाद ही वहां वो लैंड कर सकते हैं। चूंकि कई सुरक्षा कारण होते हैं जिनके चलते तमाम जांच के बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि आखिर इनको लैंड करने के लिए अनुमति दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे। तो राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा था जो कि रद्द हो गया है, वाराणसी में नहीं मिली फ्लाइट लैंडिंग की परमिशन, जिसके बाद वाराणसी से प्रयागराज सड़क मार्ग से जाने का प्लान था लेकिन वो अब रद्द हो गया है।